हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ लौकी के कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए बनाते हैं लौकी के कोफ्ते। दोस्तों, लौकी का कोफ्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए है आधा केजी लौकी, साथ में मैंने यहाँ पे लिए है अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, धनिया पत्ता, और यहाँ पर मैंने लिए है काली मिर्च पाउडर। सबसे पहले हम लौकी को ग्रेट कर लेंगे। हमें मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है। वैसे सारे लौकी को हम ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे हमें लौकी के पानी को निचोड़ लेना है। लौकी का दोस्तों लौकी के पानी को हमें नहीं फेंकना है, इसे हम बाद में ग्रेवी के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे ऐड करने हैं हमें लौकी के साथ बेसन। बेसन मैंने हाफ कप लिया है। इसके साथ हम डालेंगे ये धनिया पत्ता, ये हरी मिर्च और ये काली मिर्च। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसे भी हम डाल देंगे। यहाँ पे हमें डालने हैं नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। थोड़ा सा हमें यहाँ पे डालना है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर हाफ स्पून डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। सबको हमें मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा बेसन हम और डाल देंगे जो बचा हुआ है मेरा। इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये रेस्ट होता है तब तक हम अपना मसाला, ग्रेवी का मसाला तैयार कर लेते हैं। कोफ्ते की ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ 2 प्याज लिया है, यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं, इसका पेस्ट बना लिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च लिया है, यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और यहाँ पे धनिया का पत्ता लिया है। सूखे मसाले में मैंने यहाँ पे लिए हैं हाफ स्पून बेसन, हाफ स्पून ये आमचूर पाउडर, हाफ स्पून ये धनिया पाउडर। यहाँ पे हम लेंगे हाफ स्पून मिर्च पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे, हाफ स्पून ही लेंगे। यहाँ मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, इसे भी हम डाल देंगे सूखे मसालों में। ये सबका हम पेस्ट बना लेंगे। यहाँ 10 मिनट हो चुका है लौकी कोफ्ते को, अब हम इसे तेल में तल लेंगे। दोस्तों लौकी के कोफ्ते को हम मीडियम फ्लेम में तलेंगे, ऐसे छोटे छोटे बॉल बना के हम डालेंगे। देखिए ऐसे ही सारे कोफ्तों को हम इसमें डाल देंगे तेल में। सारे कोफ्तों को मैंने डाल दिया है, अब हम इसे धीमी आंच में पकाएंगे। इसे पलटते रहेंगे। इसे मीडियम फ्लेम में ही पकने देंगे ताकि अंदर तक पक जाए। दोस्तों जब तक हमारा कोफ्ता पकता है हम इधर ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे, ये लाल मिर्च डाल देंगे और ये तेज पत्ता भी डाल देंगे। साथ में हम यहाँ पे प्याज भी डाल के भून लेंगे। अगर आपको लगे कि प्याज
भून चुका है, तो आप यहाँ पे डाल दें अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी 2 मिनट तक भून लें, पका लें ताकि इसका स्मेल खत्म हो जाए। यहाँ पे मैंने सूखे हुए मसाले डाले हैं, इसे भून लेना है। मसाला भून चुका है, ये देखिए पक चुका है। अब हम इसमें घी वाला पानी ऐड कर देंगे, साथ में एक्स्ट्रा पानी भी ऐड करेंगे हम इसमें। यहाँ पे हम ऐड करेंगे नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। ये गरम मसाला, धनिया पत्ता, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये कोफ्ते, थोड़ी देर पकने देंगे इसे 2 मिनट के लिए। कोफ्ता रेडी हो चुका है, आप इसे गर्मा गर्म बनाइए और खाइए। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।